पश्चिमी बंगाल में हुई महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर हत्या के मामले को लेकर देश भर में डॉक्टर व आमजन विरोध प्रदर्शन कर इस मामले में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर थार नगरी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार किया। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने 17 अगस्त से जिला अस्पताल को बंद कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। 1, 2, 3, 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। क्या चाहिए, क्या चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। बहन हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। बता दें कि बाढ़ में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। उनका कहना है कि हम न्याय न मिलने तक आंदोलन करेंगे। पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में जो हुआ वह बहुत क्रूर है, हम अपनी बहन के लिए अंत तक लड़ेंगे। वहीं प्रदर्शन में चिकित्सा एकता अमर रहे के नारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रीतम सिंह रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर के साथ गैंगरेप कर हत्या की साजिश के बाद हत्या के मामले में बंगाल सरकार बहरी होकर बैठी है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले व अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसकी मांग की जा रही है। और हमारी मांग है कि रेजिडेंट डॉक्टर को जब तक सुरक्षा व न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कितने टाइम तक आगे यूं ही अनवरत जारी रहेगा आपका प्रोटेस्ट? मेरा नाम डॉक्टर प्रीतम सिंह राठवा है। हम सब रेजिडेंट आज हमारा तीसरा दिन है, वैसे पर अपने ऑफिसियल हम तीसरा दिन है लगातार। और कल शाम को हमसे मॉडर्न स्कूल यहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग भी यहाँ पे आए थे, उनके टीचर्स के साथ हमारे साथ जुड़े, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात से जुड़े कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, जो बार बार ये घटनाएं हो रही है और हर बार कोई न्याय की बात होती तो है पर मिलता है नहीं। और इस बार तो 10 दिन वो घटना के होने के बावजूद अभी तक वहाँ से कोई न्याय की मांग जो मांगी गई थी वो मानी नहीं गई है। वहाँ पर भी हमारे साथी रेजिडेंट घटनास्थल पर अभी भी धरना पर है, उनका धरना स्थल छोड़ दिया था, उन्होंने वापस वहाँ पे शुरू किया है। और बाकी जगह भी हमारे राजस्थान में सारे दूसरे डॉक्टर भी ये स्ट्राइक को समर्थन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या क्या आपकी मांग है? मांग हमारी ये है कि जिन दरिंदों ने ये दुष्कर्म किया है, ये हत्या की है, उनके नाम सामने आए और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो और एक ऐसा कानून बने और लोग ये सोचे कि ये एक घिनौना क्राइम है, ये समझे कि ये चीज़ें अभी जो हो रही है वो कहीं और कोई देश में नहीं हो रही। अपने डेमोक्रेसी कंट्री है इतने बड़ी, हम आज़ादी मना रहे हैं, आज भी हमारे देश में ये सब कुछ चीज़ें हो रही है और फिर भी इस पर कोई कड़क कायदा या कानून कुछ है नहीं कि जो लोगों को ऐसा करने से रोक सके, जो आरोपी है वो डरे, बल्कि डर हमारे साथी डॉक्टर्स जो महिला डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो लोग डर रहे हैं, काम करने से डर रहे हैं, तो ये तो किसी तरह की न्याय या कोई तरह की आज़ादी नहीं। वहाँ पर लंबे टाइम से जो है वो रेजिडेंस डॉक्टर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, इतनी दूर की ये घटना है, वहाँ का लोकल गवर्नमेंट इसको यूं ही रखे, कोई एक्टिविटी ना दिखाए, तत्परता नहीं दिखाएगा, यूं ही लंबा लटका है, पॉलिटिक्स का अगर मैटर शिकार होता है कब तक आप इसका इंतज़ार करोगे, कब तक इसी प्रकार का? इस बात को सबको लेना चाहिए सामाजिक तरीके से, बाकी हमारी डॉक्टर यूनिट टीम है जो हेड लीड करती है, आगे के जो साथी जो डॉक्टर है जो सब जुड़े रहेंगे तब तक हम साथ में समर्थन में ही है। जैसे ही ऊपर से कुछ भी हमारे तरफ से आता है निर्णय उस तरीके से हमारा आगे रहेगा। ये हमारे कोई तरीके का ये सारे डॉक्टर आप कोई भी जगह पर देख लो, खुद ये कोई जगह पर सब जगह पर ये पॉलिटिकल है, कोई जगह पे यहाँ पे हमारे नहीं, हमें कोई सपोर्ट चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टी का, हम चाहते हैं इंसाफ। अब वो चाहे वहाँ की पार्टी करे यहाँ की पार्टी करे, और लोग ये समझे कि नहीं हो रहा है ना वहाँ की सरकार से ना किसी घर का, तो दिक्कत तो है और हमारी यही मांग है न्याय की। बाकी सब लोग सब साथ में ही है, यूनिटी मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। जानकारी के लिए
जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।